30 ایکڑ کی کپاس کی فصل سے دادی خطاب کرنا شروع کیا. آپ یقین کریں میں نے کپاس کے جذبے کو اتنا اوپر کیا کہ کپاس نے امرود دینی شروع کر دی. ہم ہی ملے ہیں تجھے ہیں, اور کوئی ملک نہیں ملا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے. हाय है बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हैं? मजे में एकदम है. दादी ने अपना शो शुरू किया पंचायत के नाम से. अब जाहिर सी बात है, शो शुरू किया थोड़ा ग्रैंड करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे ना, तो इसलिए आज हमारी जो ये मेहमान आ रहे हैं बहुत ऊंची फ्लाइट है. बस ये है कि PIA से थोड़ी नीचे है, लेकिन है बहुत ऊँची फ्लाइट. हाँ, तो उसी की तैयारी. आए अस्सलाम वालेकुम दादी. अरे वालेकुम अस्सलाम. आपने घबराना नहीं है? हम काय को घबराएंगे बेटा, हैं घबराते होंगे जिनके पास कुछ बचा हो. तूने कुछ छोड़ा ही नहीं है घबराने के लिए. देखें दादी, दुनिया को पता था कि 2020 एक मनहूस साल है और इसमें बुराइयां ही बुराइयां आनी है. लेकिन तेरी हुकूमत तो 2018 में आ गई थी. नया नया हुकूमत में आया था तो ये क्या शुल्ली छोड़ी थी हैं? समंदर से तेल निकलने वाला है, बड़े ज़खायर मिल गए, उसका क्या हुआ? मुझे किसी ने बताया कि यार अरब में बड़ा तेल है. मैं कहा यार ये बैरी अरब की बात कर रहा है. हमने ड्रिले मशीनें चीज़ें मंगवाई और वहाँ पे हमने कहा ये अरब को खोद दो. अच्छा अच्छा अच्छा. और फिर बाद में बंदी मुझे कहने लगी कि हाँ साहब, मेरा मतलब बैरी अरब नहीं, मेरा मतलब था कि सऊदी अरब में बड़ी तेल है. कौन बंदी कौन थी? आई नाम क्या था उसका? हम किसी जरदाजुल का नाम नहीं ले सकते, सॉरी. ये क्या चक्कर है, कोविड कोरोना 19, 19, 18, 17 ग्रेड? आपको पता है दादी कि F-16 को F-16 क्यों कहते हैं? अरे उसके माँ बाप ने उसका नाम F-16 रखा है तो इसलिए कहते हैं. F-16 को F-16 इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 1600 CC जहाज होती है. हमें आज पता चला कि F-16 जो है ये टोयोटा वाले बनाते हैं. ये बेटा ये बताइए, जो नींद की गोली खाते हैं वॉल्यूम 10, इसका क्या चक्कर है? वॉल्यूम 10 गोली में अंग्रेज आपको खुद बता रहा है कि अपने TV की वॉल्यूम आप 10 पे करके ये गोली खाएं, आपको अंधाधुंध नींद आनी है. हम ही मिले हैं तुझे हैं, और कोई मुल्क नहीं मिला था वजीर आजम बनने के लिए. तेरी हुकूमत में पहला जो वजीर इत्तलात था वो फवाद चौधरी है. आई ऐसे नमूने को लगाने की कोई ख़ास वजह? फवाद चौधरी पाकिस्तान का वाहिद इंसान है जिसे ये पता है कि ईद का चांद कब निकलेगा और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा फड्डा क्या है. वो चांद नहीं दिख रहा, चांद नहीं दिख रहा, तो फवाद ने चांद दिखा दिया. जब इतने काम का बंदा तो उसे निकाला क्यों? फवाद ने हमें चांद दिखाया, हमने फवाद को गेट दिखाया. ये उस्मान बुज़दार जो है ये वसीम अकरम प्लस है, अपनी बात को साइंटिफिकली प्रूफ कर सकता है. उस्मान बुज़दार वो वाइड बंदा है जो नो और वाइड बॉल एक साथ करा देता है, इसलिए मेरी नज़र में वो वसीम अकरम प्लस है. ये कमबख्त हमारे नसीब में ही आने थे. ये शुगर इंक्वायरी, चीनी कमीशन, ये सारी क्या पंचायत थी? मैंने कहा था मैं पहला वजीर आजम बनूंगा जो अपने शुगर की रिपोर्ट जो है वो हर साल टेस्ट करवाया करेगा और उसे पब्लिक करेगा. अच्छा, किसी कमबख्त ने टाइपिंग एरर मारा दादी, और यकीन करें उसमें से टेस्ट हट गया और शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट हो गई. हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं, अब इन सब का कोई हल तो होगा तेरे पास? एक हल है, वो है मेरी तकरीर. कभी कोई अपनी तकरीर का एक्सपेरिमेंट किया है तूने? एक बार मियाँ वाली में मैंने 30 एकड़ की कपास की फसल से दादी खताब करना शुरू किया. आप यकीन करें मैंने कपास के जज्बे को इतना ऊपर किया कि कपास ने अमरूद देनी शुरू कर दी. तूने खताब किया तो फसल जल गई थी? वो इस तजुर्बे की कामयाबी देख कर हामिद मीर की जल गई थी. अरे बेटा बात यह है कि न्यूजीलैंड वालों ने कोरोना को हरा दिया है और हम लोग बहुत पीछे रह गए उनसे. घबराने की बात नहीं है दादी, हमने 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था. उन्होंने इतने साल बाद आज हमसे कोरोना के नाम पे बदला लिया है. वो तेरी टाइगर फोर्स कहाँ गई? लगता है दादी आपने खबरों में टिड्डी दिल के बारे में नहीं सुना. मतलब टाइगर फोर्स जो है वो असल में टिड्डी? ओए हर बात बताने की नहीं होती दादी जान. किसी किस्म का कोई अफसोस, रात में नींद ना आती हो है, जमीर की आवाज़ आती हो? जमीर की कबाब तो मैंने सुनी है और खाई भी है, लेकिन जमीर की आवाज़ से आज तक पाला नहीं पड़ा. ये आने वाले दिनों में क्या होने वाला है भाई? एक हफ्ते में हम
कोरोना को खत्म करने लगे। आई सुन लिया तुम लोगों ने, अब अपनी तैयारी कर लो। आई खान किसी किस्म का कोई आसरा कोई उम्मीद तो होगी। इंशाल्लाह दादी आप देखेंगी कि 2021 एक ऐसा साल होगा जिसमें तो बिल्कुल 2021 के बारे में कुछ ना बोलियो तू। हाँ मेरा यकीन करे 2021 आज मैं पंडान फेंक के मारूंगी जो तूने 2021 के बारे में कुछ बोला। चुप करके भाई। भाई मेरा तो बीपी हाई हो गया इसकी बातें सुन के। मैं तो कर रही हूँ इंटरव्यू को ख़त्म और तुम लोग जाओ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।